त्रिवेणी द्वार गेट पर ग्रेनेड ब्लास्ट की खबर सामने आई। बाइक पर सवार लोगों ने गेट पर ग्रेनेड फेंका। सीसीटीवी फुटेज को अब पुलिस फिलहाल खंगाल रही है। पठानकोट में सभी पुलिस नाके को अलर्ट पर रखा गया है। और हमारे सहयोगी गुरप्रीत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं इस पर और ज्यादा जानकारी लेकर। गुरप्रीत, ये कब की घटना है और क्या कुछ और आगे की जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, अगर बात करें तो पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और लगातार इस घटना के बाद हमने देखा कि सारी जगह पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि अब तक की इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि दो मोटरसाइकिल पे सवार जो यूथ थे, उन्होंने ये ग्रेनेड फेंका है। उसके बाद लगातार उस मोटरसाइकिल का मेकअप पता करने के बाद आस पास के सभी जितने भी जगहें हैं वहां पे छानबीन की जा रही है, उस मोटरसाइकिल का भी पता लगाया जा रहा है। लेकिन साथ की साथ पुलिस ने सभी नाके लगा के हाई अलर्ट किया हुआ है। वहां पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, ताकि ये पता करने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि कहीं कोई बड़ी टेरर एक्टिविटी करने के लिए तो नहीं ये कोई कॉन्स्पिरेसी की गई है। तो इस बात को लेके लगातार पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जैसे मैंने बताया के प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक पुलिस के पास सिर्फ एक मेन मोटरसाइकिल पे यूथ थे जिन्होंने ये ग्रेनेड फेंका है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बाकी जगहों से सीसीटीवी ली जा रही है जिसको प्रॉपरली स्कैन करके। जी बिल्कुल, तो आपको बता दें पठानकोट से ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आर्मी के गेट पर, ये आपको बता दें कि उस गेट पर ग्रेनेड फेंका गया। हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज है उसे फिलहाल पुलिस खंगाल रही है और सभी पुलिस नाके को अलर्ट पर भी रखा गया है।